आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने से पल्सर गाड़ी को मोटरसाइकिल की चाबी का प्रयोग करते हुए चुरा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी है। बता दें, सलोन कोतवाली के ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से चोर बाइक लेके 9:11 हो गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। बैंक आए थे यहाँ से पिताजी को लेकर, बैंक हमारा खाता बंद हुआ था तो सही करवाने आए थे। उसके बाद गए, फिर दोबारा देखे तो गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर दोबारा देखे फिर तो गाड़ी है नहीं यहाँ पर। कौन सी गाड़ी थी? पल्सर। लगभग कितने बजे गायब हुई? लगभग 1:30 बजे गायब हुई थी। कैसे? आपने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया? चेक करवाया वहाँ पर। तो क्या निकला उसमें? उसमें लड़का लेके जा रहा है बाइक को। लड़का लेके जा रहा, किस तरफ लेके गए? मानीपुर रोड के लिए। एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? अभी नहीं दिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में चारों तरफ मौत का खौफ मंडरा रहा है। यूक्रेन की सेना भी लगातार रूस के सैनिकों से लोहा ले रही है। इसी बीच यूक्रेन में भारत के हजारों छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार वापस लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले छात्र लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां मौजूद परिजनों ने छात्रों का फूल देकर स्वागत किया। वहीं लखनऊ पहुंचे छात्रों ने यूक्रेन के हालात को बयां किया। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है। सर, जैसे ही हम कीव के सामने पहुंचे, कीव एयरपोर्ट के सामने पहुंचे, वहां पे ब्लास्ट होना शुरू हो गया था सर। फिर हम वहां से जैसे तैसे इंडियन एम्बेसी पहुंचे और फिर वहां हम लोगों ने सोचा कि हमें कोई मदद मिलेगी, लेकिन हमें मदद नहीं मिली। हम 4 दिन तक वहीं रहे बिना खाना बिना पानी। उसके बाद सर हमने अपने आप डिसाइड किया कि हम यहां से बॉर्डर तक जाएंगे, खुद से बॉर्डर तक जाएंगे। फिर सर हम लोगों ने कीव से चर्निवसी तक ट्रेन से गए। उसके बाद जहाँ पे यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी इंडियन से, सर हमें धक्का दिया गया ट्रेन से। सर हम गिरे, हमें मारा गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक ट्रेन में चढ़े, फिर हम चन्नीवेस्सी पहुँचे, फिर हम रेलवे स्टेशन से पैदल रोमानिया बॉर्डर तक गए सर। फिर वहाँ हमें आगे इंडियन एम्बेसी की मदद मिली, रोमानिया के इंडियन एम्बेसी से। बॉर्डर पहुंचने में हमें 10 दिन लग गए। तब तक हम एक इंडियन एम्बेसी में हमें एक शेल्टर प्रोवाइड किया था, तब तक हम उसमें थे। और फिर वहां से आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जब भी कर्फ्यू वगैरह हटता था तब। जब खारकीव में हम थे तब तक सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि बॉम्बिंग और शेलिंग ये सब अचानक से स्टार्ट हुआ था। तब तक स्ट्रीट्स में कुछ भी पता नहीं चलता था, हम तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तब तक। जब आप वहाँ से निकली हैं, उस पर वहाँ पर रूस का अटैक नहीं हुआ था? जब हम खारकीव से कीव के लिए निकले थे तब तक अटैक नहीं हुआ था, बट जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तब वहाँ पे एयरपोर्ट सील कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह स्टार्ट हो गए थे। फतेहपुर में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कक्षा 1 की मासूम छात्रा दीपाली विद्यालय में अवकाश के पहले ही कमरे में सो गई। वहीं विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यालय का अवकाश से पहले निरीक्षण करना उचित नहीं समझा और विद्यालय बंद कर अपने अपने घर को चले गए। विद्यालय में पढ़ने वाली मासूम छात्रा दीपाली जब अपने घर नहीं पहुंची तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की। जब परिजनों ने विद्यालय में जाकर देखा तो बच्ची रो रही थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और ग्राम प्रधान को इस मामले में अवगत कराया। ग्राम प्रधान ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय का ताला खुलवाकर छात्रा को बाहर लाया। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि में शिक्षकों की लापरवाही को खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराते हुए शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने रखा। ये स्कूल में पढ़ने आई थी और यहीं सो गई, छुट्टी हुई, घर नहीं पहुंची। जब घर नहीं पहुंची तो मैंने इंतजार किया इसका। उसके बाद लड़कों से पूछा, पूछने के बाद लड़के बताए कि वो वहाँ सो गई है। करीबन 2:30 बजे स्कूल बंद हो गया और 4:30 बजे मैंने इसका इंतजार किया। उसके बाद ये लड़की यहाँ रो रही थी अंदर,
तो यहाँ कैसे जानकारी होगी? स्कूल जब आया तो अंदर रो रही थी, तब उसको मालूम होगा कि मेरी नाती अंदर से रो रही है। अच्छा, फिर कैसे निकाला? प्रधान जी के पास फ़ोन किया, प्रधान जी कहे मैं आ रहा हूँ, 100 नंबर, फिर 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर भी आई, प्रधान जी भी आए। चाभी किसके पास रहती विद्यालय? चाभी थी प्रमोद कुमार नाई की औरत के पास। इस विद्यालय का हेड कौन है? युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं फतेहपुर से छात्र वैभव लोधी यूक्रेन से वापस आया है। छात्र ने बताया कि घर के नीचे बने बंकर में रहकर अपनी जान बचाई। युद्ध के दौरान हम लोग काफी भयभीत थे और साथ ही छात्रों ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति सुधरने के बाद वापस लौट कर पढ़ाई करूंगा। वहीं बेटे के सुरक्षित वतन वापसी पर परिवार ने पीएम को धन्यवाद दिया है। अरे बच्चा हमारा बड़ा संकट में थे, हम लोग भी बहुत संकट में, बच्चे की अवस्था सुन करके हम भी घबराए थे कि बच्चे हमारा कैसा है, वहाँ से निकल पाए, बहुत दिक्कत में थे। और नरेंद्र मोदी से विनती करते थे और भगवान से भी विनती करते थे कि हमारे बच्चे किसी तरह से यहाँ लाया जाए, किस तरह से बच्चा हमारा यहाँ आए। हमको बहुत नींद नहीं आती थी, 24 घंटा बच्चे की याद सताती थी कि कैसे बच्चा मेरा आए यहाँ। बस यही नरेंद्र मोदी से निवेदन है कि नरेंद्र मोदी से मेरा निवेदन है धन्यवाद कि किसी तरह मेरे बच्चे की सेवा हेल्प पूरा पैसा से वहाँ से फ्री सेवा यहाँ आए मेरे। विनिशिया में हमारे क्या कहते हैं काफी ज्यादा लोग डरे हुए थे, बार बार सायरन होटल बज रहे थे, क्योंकि पर पहले हमारे यहाँ एक दो दिन 24 और 25 को तो कुछ नहीं हुआ था, खाली हमारी विनिशिया के जो मेयर थे वो एडवाइजरी निकाल रहे थे बार बार रूटरों की, अलर्ट रहने की कि कभी भी किस टाइम पे हमारे पर एयर स्ट्राइक हो जाए हमें खुद नहीं पता। और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रशियन भी छुपे हुए थे, बहुत जगह उन्होंने मार्क भी लगाए रेडियम से और बहुत सारे बम लगाने वाले और स्नाइपर शूटर भी पकड़े गए और एक दो जगह आउटर में थोड़ा क्या कहते हैं एयर स्ट्राइकें भी हुई और इसलिए बहुत दहशत का माहौल था वहाँ पर और सारे बच्चे लोग डरे हुए ही थे और उनमें से हम भी डरे हुए थे। सी यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंचे फिर हम सबको 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि वहाँ इतना जाम था कि बस हमारी आगे जा ही नहीं सकती थी। फिर 8 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर चल के यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचे, उसके बाद मुझे डेढ़ दिन लग गया बॉर्डर क्रॉस करने। आज के समय में पैसा और जमीन रिश्तों से भी बढ़कर हो गया है, जहां जमीन के चक्कर में भाई अपने ही भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला है रायबरेली में, जहां के सिटकिया गांव में जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई को गला दबाकर जान से मार दिया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में नथु लोधी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनके भाई कहते कि भाई मैं तो ना ही हूँ काड़ा दी हूँ काड़ी के पैक रहन भी करना हूँ काड़ा बस घोटी दबा जाना उनके तो नंद परान नहीं करेंगे। किसने किसने कौन कौन थे? का छोटा भाई हमारे बाप का पहले अधिकारी रहे मार डर। मारने वाले में कौन कौन थे? तू कल्लू काजल गीतू इनकी मेरिया मगर पहले भाई कटाई पकड़े थे। पुलिस आई रहा है? हाँ बाद माई एक 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया, साथ में पुलिस भी आई थी। इसे बताया गया कि आप ये देख डॉक्टर साहब बताइए क्या है, तो मैंने एग्जामिन किया उनका देखा सब, लेकिन वो ब्रॉड डेड थे, हमारे पास आए थे तो मरे हुए अवस्था में थे। बाकी उसमें कुछ साथ में पुलिस वाले भी थे, कुछ दिक्कत होगा तो हमने मेनू यहाँ से बनवा करके थाने पर इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी अब थाने वाले देख रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां एक परिवार प्लॉट का बेनामा कराने के लिए बाद में भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। वहीं पीड़ित ने शीला रावत पर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है, साथ ही विपिन कुमार ने एक लिखित शिकायत पुलिस कप्तान को देकर न्याय की मांग की है। मामला ये है श्रीमान जी कि आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने मेहरवान खेड़ा मजरे गुढ़ा थाना सुगढ़ में एक संत प्रसाद साहू रहते हैं, उनसे ज़मीन खरीदी थी 30x90 जिसका बाकायदा रजिस्ट्री हुआ है तहसील महाराजगंज में। और उसके बाद हुआ क्या कि 10 दिन बाद हम अभी 5 दिन पहले गए उसी जगह जहां हमने ज़मीन खरीदी है, तो वहां पे एक कोई फर्जी महिला आ गई, वहां घूम आफिया एक्टिव हो गए और रातों रात उसने न्यू शुरू कर दी। मैंने मना किया, वो नहीं मानी क्योंकि मैं श्रवण समाज का हूँ और वो महिला जो है एस सी समाज की है,
और एस सी ही लोग उसको भड़का के लाए हैं बुला के, क्योंकि वो सरकारी सर्विस उसका लड़का करता कहीं लखनऊ में, और वो जो है कि हमने मना किया तो कहने लगे आपको हमें एस सी एस सी एक्ट में फंसा दूंगी, यहाँ चले जाओ। और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, हमने बाकायदा रजिस्ट्री करवाई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना उत्तर और थाना टूंडला पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, और साथ ही चोरों के पास से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय ने हम लोगों को टास्क दिया था कि बाइक चोरी का जिस या तो घटनाएं इधर कुछ बनी हैं उनमें तत्परता से कार्रवाई करनी है। तो इस पे दोनों एसएचओ ने लग के 2 अलग अलग गैंग वर्कआउट किए हैं, जिसमें कुल 5 अभियुक्त और 12 बाइक्स बरामद किए हैं इन्होंने चोरी की। अलग अलग बताऊं अगर तो थाना टूंडला में प्रभारी निरीक्षक टूंडला ने कुल 3 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक, और प्रभारी निरीक्षक उत्तर ने 2 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक्स उन्होंने बरामद की है। और जो उत्तर में चोर पकड़े गए हैं वो रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो टूंडला में चोर पकड़े गए हैं वो तीनों ही चोर थाना ताजगंज आगरा के रहने वाले हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के ही प्रकाश में आए हैं नाम, जिन पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही अन्य खुलासे भी करेंगे। फिरोजाबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना उत्तर थाना टूंडला से 6 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि थाना उत्तर थाना टूंडला पुलिस टीम के द्वारा थाना टूंडला के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों को कई धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। जिसमें कुल 5 अभियुक्त और 12 बाइक्स बरामद की हैं इन्होंने चोरी की। अलग अलग बताऊं अगर तो थाना टूंडला में प्रभारी निरीक्षक टूंडला ने कुल 3 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक, और प्रभारी निरीक्षक उत्तर ने 2 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक्स उन्होंने बरामद की है। और जो उत्तर में चोर पकड़े गए हैं वो रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो टूंडला में चोर पकड़े गए हैं वो तीनों ही चोर थाना ताजगंज आगरा के रहने वाले हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के ही प्रकाश में आए हैं नाम, जिन पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही अन्य खुलासे भी करेंगे। रामपुर कारखाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 25,000 का इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराधी राजू पटेल को सिंहपुर थाना विजयपुर जिला गोपालगंज बिहार से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 1 देसी तमंचा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। खबर फतेहपुर से है, जहां पे जाफरगंज थाना क्षेत्र में 24,000 रुपए की लूट हो गई है। बता दें कि हिंदुस्तान लीवर साबुन के सप्लायर माल सप्लाई करके वापस जहानाबाद जा रहे थे, तभी पीछे से ओवरटेक करते हुए मारुति वैन चालक ने गाड़ी रोक दी। रोकते ही गाड़ी में सवार लगभग 5-6 लोग उतरे और मारपीट करना शुरू कर दिया और बैग में रखे 24,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और क्राइम ब्रांच टीम ने घटना की छानबीन शुरू की। आप इनके यहाँ कब से नौकरी कर रहे हैं? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। जिस समय आप जाफरगंज में माल उतार रहे थे तो आपके आगे पीछे और कोई था? हमारे दुकान है, दुकानों में माल उतारते हैं, बस उन्हें पैसे लेते हैं बस। पैसा किसने लिया था? पैसा हमने लिया था। आपने लिया था? जाफरगंज में टोटल आपको कितना पैसा मिला है? करीब 2.5 लाख रुपये था। 2.5 लाख मोटा मोटा करीब। देवरिया से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी से नाराज पति ने धारदार हथियार से गला काटकर पत्नी की हत्या कर दी। बता दें कि पति पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था, जहां घटना से गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई।
पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था, जिससे परेशान होकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। देवरिया से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी से नाराज पति ने पत्नी का गला काट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। देवरिया से ये खबर सामने आई है। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर दिन दहाड़े चाकूबाजी से हड़कंप मचा हुआ है। घटना हाईवे पर सहारनपुर के कस्बे नानौता क्षेत्र की है, जहां दिल्ली मार्ग गांव तिलफरा निवासी शिवनाथ पुंडीर शिवम पुंडीर विशांत राणा इस घटना में पेट में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के दो बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए तीनों घायलों युवकों को राहगीरों की मदद से CHC पहुंचाया, जहां गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं झगड़े के कारणों का अभी तक कोई सही पता नहीं लग पाया है। पोता पढ़ा लड़ता दवाई लेना आता, उस लड़के ने उसका मार मूर दिया। उन्होंने अपने पापा शिवनाथ को फोन कर दिया, ये चले गए वहां से, वे चक्कू लेकर आए गए, चक्कू मार दिया इनके। बस ये है, क्या कोई पुरानी साजिश भी थी इसमें? कुछ नहीं। तो आपने इस बारे में किसी को पुलिस को कंप्लेंट वगैरह करी? करी, रिपोर्ट कर दी। अब क्या चाहते हैं? बस यही चाह है भाई साहब, उसको जा मिला पकड़े जा सब। मैं डॉक्टर SK जैन यहाँ जिला अस्पताल सहारनपुर में एज ए EMO तैनात हूँ। अभी लगभग 3:30 बजे 3:35 पर हमारे सामने ये थाना ननौता क्षेत्र से तीन व्यक्ति आए हैं। तीनों लड़के हैं, यंग एज है इनकी, और इनको चाकू लगी हुई चोटें हैं। ये CHC ननौता से रेफर किए गए थे। इनमें दो लड़कों की हालत गंभीर है, इनके गहरी चोटें हैं, एक स्थिर अवस्था में है। बाकी हमने तीनों को भर्ती करके हमने उपचार शुरू कर दिया, और हमारे सीनियर सर्जन की टीम भी इनकी देखभाल कर रही है। आगे की स्थिति के में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब 7वें और आखिरी चरण के लिए कल यानी शनिवार को प्रचार थम जाएगा। इससे पहले राजनीतिक दलों का धुआंधार कैंपेन जारी है। इसी सिलसिले में PM मोदी आज मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश ने BJP और NDA के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। घोर परिवारवादियों को माफियावादियों को फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। PM मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।